हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं यह जो वीडियो बना रही हूँ कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए, जिसमें मेरा पहला टॉपिक होगा शब्द भेद। शब्द भेद किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, इन सब के बारे में आज मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने वाली हूँ। शब्द भेद हम लोगों ने 8वीं कक्षा में भी पढ़ा है, 9वीं में भी पढ़ा है, 10वीं में हम इसमें विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि यह हमारी व्याकरण पुस्तिका हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं का जो है उसमें दिया हुआ है, और उसी विषय को आज मैं आपको एक एक करके विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना पहला विषय, व्याकरण का पहला विषय जो है शब्द भेद। लेकिन शब्द भेद के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले हमें सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द वर्णों अथवा अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, उसे हम शब्द कहते हैं या वह शब्द कहलाता है, जैसे पुस्तक, गाय, गाना आदि। अब हम लोगों ने शब्द की परिभाषा जान ली है, इसके बाद हम देखेंगे कि शब्द भेद किसे कहा जाता है। शब्द भेद के दो प्रकार होते हैं, सव्यय, जिसे हम दूसरे शब्दों में विकारी शब्द कहते हैं, या सव्यय या विकारी, दोनों के नाम से जाना जाता है। सव्यय बोलिए या विकारी शब्द बोलिए, दोनों एक ही हैं। और जो दूसरा प्रकार है वह है अव्यय, अविकारी शब्द, या आप उसे अव्यय बोल सकते हैं या आप उसे अविकारी शब्द भी बोल सकते हैं। अविकारी का मतलब होता है जहाँ पे कुछ परिवर्तन ना हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको सव्यय पढ़ाने वाली हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि सव्यय के जो प्रकार हैं उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, यह सब आता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको संज्ञा और सर्वनाम ही पढ़ाऊंगी। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना विषय जो है व्याकरण का, सव्यय। जैसा मैंने आपको अभी बताया है कि शब्द भेद के प्रकार में पहला जो प्रकार है वो सव्यय है, जिसे हम विकारी शब्द भी कहते हैं। उसके अंतर्गत चार प्रकार माने जाते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और जो दूसरा प्रकार है अव्यय, जिसे हम अविकारी शब्द के नाम से भी जानते हैं, उसे हम अव्यय भी बोल सकते हैं, अविकारी शब्द भी बोल सकते हैं, जिसके कुल चार प्रकार माने जाते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय या संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। ये जो हैं चार प्रकार हैं। तो मैंने आपको जैसा बताया है पहले ही कि इस वीडियो में आज हम सिर्फ संज्ञा और सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और अगले वीडियो में विशेषण और क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सव्यय का जो पहला प्रकार है, जिसे हम संज्ञा कहते हैं, इंग्लिश में नाउन बोला जाता है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। संज्ञा, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। किसी व्यक्ति, गुण, प्राणी वह जाति, स्थान, वस्तु, क्रिया और भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, जैसे पुस्तक, राम, कलम, मेज, कुर्सी, पंखा, जम्मू, केला इत्यादि। यहाँ पे जम्मू जो है वो जगह का नाम है। संज्ञा के कुल पांच प्रकार होते हैं, तो हम एक-एक करके पांचों प्रकारों के बारे में जानकारी लेंगे। पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा है किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, रमेश, पवन, सीमा आदि। वस्तुओं में ले लें तो कुरान, बाइबल, रामायण। स्थान, बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई,
लखनऊ आदि। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, व्यक्ति में महात्मा गांधी जी का चित्र है, वस्तु में रामायण की पुस्तिका है जिसे हम रामायण ग्रंथ बोलते हैं, और स्थान में आप मुंबई के एक स्थान को देख पा रहे हैं। तो यह हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ये अपने नाम से ही हमें यह अवगत कराती है कि जातियों के समूह को, या उसको हम अन्य शब्दों में बोलते हैं, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, पुस्तक, कार, ट्रक, गांव, स्कूल, शहर, बगीचा, नदी आदि, आदमी, जानवर, पशु, पक्षी, गाय, लड़का आदि। तो यह सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चित्र में हम देख सकते हैं कंप्यूटर है इधर, इधर स्कूल है, यहाँ पे गाय है, ये सब हमारे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला है अपना भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, उमंग, चढ़ाई, थकावट, मानवता, चतुराई, जवानी, लंबाई, मित्रता, मुस्कुराहट, अपनापन, परायापन, भूखा, प्यास, चोरी, क्रोध, सुंदरता आदि। यहाँ पर हम लोगों ने देखा है जो हमारे मन के भाव होते हैं, जहाँ पे भी हमारे मन के भावों को देखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, एक बूढ़े व्यक्ति का, वृद्ध व्यक्ति का चित्र है। यहाँ पे बचपन को दिखाया गया है। उसके जब थोड़ा सा नीचे आप देखिए, एक मोटे व्यक्ति का चित्र है। यह सब हमारे भाववाचक संज्ञा को दिखाते हैं। अगला टॉपिक है समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा का ये एक और प्रकार है जिसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। जैसे भीड़, मेला, सभा, कक्षा, परिवार, पुस्तकालय, झुंड, गिरोह, सेना, दल, गुच्छा, दल, टुकड़ी आदि। यहाँ चित्र में भी हम लोग देख रहे हैं, एक परिवार का चित्र दिखाया गया है। नीचे आप देख रहे हो चाबियों का गुच्छा है। तो जहाँ पे भी कहीं हमें समूह दिखाई देता है, या बहुत किसी एक जाति के जो लोग होते हैं उनका एक जो समुदाय या समूह साथ में दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा का अगला प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध कराते हैं, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाएं ढेर के रूप में नापी या तौली जाती हैं। ये अगणनीय होती हैं, जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे कोयला, पानी, तेल, घी, लोहा, सोना, चांदी, हीरा, चीनी, फल, सब्जी आदि। सही बात कहा गया है, क्योंकि हम कोयले को या हम पानी को अलग अलग करके गिन नहीं सकते हैं। तो यही कारण है इसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है, क्योंकि इसे माप तौल में इकट्ठा लेना होता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं चित्र में, पानी का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। उसके नीचे देखिए सोने के बिस्किट रखे हुए हैं। ये सारे जो उदाहरण आप देख रहे हैं वो किसके हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा के हैं। अब यहाँ तक अभी हमने जो देखा है, ये हमारा संज्ञा के पांच प्रकार हम लोगों ने देखा। अब अगर हम सव्यय की बात करते हैं, तो सव्यय में हम लोगों ने जो पहला विषय था या पहला प्रकार था संज्ञा, वो हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है और वहाँ की जानकारी हमें पूरी मिल गई है। अब जो दूसरा प्रकार है जिसे हम सर्वनाम कहते हैं, उस विषय को स्टार्ट करेंगे। सर्वनाम, जिसे हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, वे शब्द जो सदैव संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे
मैं, वह, यह, तुम आदि ऐसे शब्द संज्ञा शब्दों को पूर्ण रूप से स्थानांतरित कर देते हैं। अब जैसे हम लोगों ने संज्ञा में उसके प्रकार पढ़े थे, वैसे ही एक एक करके सर्वनाम के भी हम प्रकार पढ़ेंगे। सर्वनाम के कुल 6 प्रकार हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो अभी हम एक एक करके हर एक प्रकार का जो दिया हुआ है यहाँ पे 6 प्रकार, उसमें से हर एक प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसा कि हमें पता भी है कि पुरुषवाचक सर्वनाम को भी 3 भाग में बांटा गया है, मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार हैं। वह तीनों प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। वह तीनों प्रकार इस प्रकार हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम इनकी भी परिभाषा और इनके भी उदाहरण देखेंगे, क्योंकि हमें इनको भी समझना जरूरी है। अब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अर्थात वक्ता अपने लिए स्वयं करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मेरा, मैं, हम, हमारा, मुझे, मुझको, हमारी, मैंने आदि। दूसरा प्रकार है पुरुषवाचक का, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले अर्थात श्रोता के लिए किया जाता है, मतलब जैसे जो सामने व्यक्ति हमारे है उसके लिए किया जाता है, तो उन्हें हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तू, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने आदि। अब पुरुषवाचक का हम तीसरा प्रकार पढ़ेंगे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए अर्थात जो तीसरा व्यक्ति है, मैं भी नहीं, आप भी नहीं, तीसरा व्यक्ति है, उन्हें संबोधित करने के लिए कहा जाता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे वे, यह, वह, इनका, उन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे, उनसे आदि। ये हम लोगों ने पुरुषवाचक के 3 प्रकार देख लिए। अब सर्वनाम में जो दूसरा प्रकार है उसे हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चय रूप से ज्ञान होता है उसे हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह मेरा गांव है, वह, यह मेरी पुस्तक है, यह, ये पुस्तक राधा की है, ये। इन तीनों वाक्यों में हम लोगों ने देखा है वह, यह और ये हमारी निश्चयता को दिखाते हैं, मतलब जो भी बात हम बोल रहे हैं वहां पे 100% हमारी बात सच है कि और हमें यकीन है कि यह बात सही है। इसके लिए वह, यह और ये निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तीसरा प्रकार जो है सर्वनाम का वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का निश्चित रूप से बोध न हो, बोध अर्थात ज्ञान न हो, वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उल्लेख किया जाता है। जैसे को, कुछ, किसी, कौन, किसने, जहाँ, वहाँ। इन सारे उदाहरणों में आप लोग देख रहे हो कि हमें कहीं भी निश्चित रूप से किसी भी बात का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं संभावना है कि शायद जो हम लोग कह रहे हैं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए ऐसे जो वाक्य होते हैं, ऐसे शब्दों को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं, मोहन, आज कोई तुमसे मिलने आया था। कोई, हमें नहीं पता है कि कौन आया था, तो कोई, भोजन में कुछ गिर गया है, भोजन में कुछ तो गिर गया है, क्या गिरा है हमें नहीं पता है, तो कोई और कुछ, ये हमारी अनिश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाते हैं। अगला देखेंगे हम संबंधवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से
परस्पर संबंध का पता चले उसे हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसी, तैसी, वैसी, जैसा, वैसा, जो, सो, जहाँ, वहाँ, जिसकी, उसकी, जितना, उतना आदि। जहाँ पे भी दो शब्दों में हमें कोई संबंध दिखाई देता है या दो वाक्यों में दो शब्दों के द्वारा संबंध दिखाई देता है उससे हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। उदाहरण के लिए हम वाक्यों को देखेंगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी। तो जैसा वैसा, जिसकी उसकी, ये सारे उदाहरण जो है संबंधवाचक सर्वनाम के हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम पांचवा जो सर्वनाम का प्रकार है, प्रश्नवाचक, ये अपने नाम से ही अपनी परिभाषा को सूचित करता है। जैसे जहाँ पे भी प्रश्न पूछा जाए, जिन सर्वनाम शब्दों को प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उससे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, किसने, कैसे, किसका, किसको, किस लिए, कहाँ आदि। वाक्य देखते हैं उदाहरण का हम लोग, टोकरी में क्या रखा है, बाहर कौन खड़ा है, तुम क्या खा रहे हो, क्या, कौन, क्या, ये सारे जो है हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। अंतिम जो प्रकार है जिसे हम छठा प्रकार बोलते हैं सर्वनाम का, वह है निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध, जिसे हम ज्ञान कहते हैं। अपनेपन का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमें, तुम, अपने, आप, अपने, निजी, खुद, स्वयं आदि। उदाहरण देखेंगे, आप कल दफ्तर नहीं गए थे, यहाँ पर आप है। आप मेरे पिता श्री बसंत सिंह हैं, ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है, अपनी और आप, ये सब जो है निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक का हम बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं, जहाँ पे अपने बारे में कुछ बताया हो, स्वयं, खुद, अपना, आप, ये सारे जो शब्द हैं वो निजवाचक सर्वनाम को दर्शाते हैं। उम्मीद करती हूँ आज के इस वीडियो के द्वारा जो भी मैंने दो प्रकार सव्य के पढ़ाए हैं, संज्ञा और सर्वनाम, आप सबको जानकारी, आसान जानकारी देने में मैं सफल हुई हूँ। ठीक है, आज मैंने आपको इस वीडियो में जैसा कि संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पढ़ाया है, तो वाकई में आपको कितना समझा है या मैंने जो समझाया है आपको, आपके पास कितना पहुंचा है, उसको हम थोड़े प्रश्न उत्तर के द्वारा चेक करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास अभ्यास में कुछ प्रश्न उत्तर है जो मैं आपको अभी समझाने वाली, बताने वाली हूँ, और वन बाय वन आपको बीच बीच में आंसर को चेक करने के लिए जो भी क्वेश्चन या जो भी वाक्य मैं बोल रही हूँ, आप पॉज करके 2 मिनट के लिए देख सकते हो कि क्या वाकई में जो आपने आंसर बोला था वो जो मैंने बताया उस आंसर से मैच कर रहा है। अगर हाँ तो आप कितना समझे हो, यह आपको भी समझेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जैसा मैंने आपको बोला कि हम थोड़े प्रश्न उत्तर के द्वारा समझेंगे कि हमें वाकई में कितना समझ में आया है। तो ठीक है, अभी हम लोग पहले संज्ञा पढ़ा था हम लोगों ने, तो पहले हम संज्ञा के बारे में थोड़ा सा अपनी जानकारी देखेंगे कि हमें कितना समझ में आया है। चलिए देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपको, पर देखिए आप ध्यान से, निम्नलिखित मोटे टाइप वाले शब्दों में से संज्ञा के भेद पहचान कर लिखिए। ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि जो मोटे टाइप में है, मतलब जो हाईलाइट किए हुए शब्द हैं, वो आपके संज्ञा है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या पहचानना है कि ये संज्ञा का भेद कौन सा है, ये जो शब्द है इसमें कौन सा प्रकार या कौन सा भेद प्रयोग किया गया है। तो अब हम एक एक करके प्रश्नों को चेक करेंगे और अपने, जैसा कि मैंने आपको बोला है, आप आंसर पॉज कर कर करके देख सकते हो कि आपको कितना समझ में आया। जैसे हम लोग पहला प्रश्न उठाते हैं, इटली में एक नगर जनेवा है। इटली, यहाँ पे आप देख रहे हो किसको बोर्ड लेटर में दिखाया गया है, मोटे टाइप वाले शब्द कौन सा है यहाँ पर, इटली। तो आप सबको मैंने पहले ही बताया था कि संज्ञा में इटली अगर है या किसी जगह का नाम आता है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, कौन सा प्रकार होगा। तो यहाँ पे आप अपने आंसर को चेक कर सकते हो थोड़ा सा पॉज देकर कि आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर, फिर आप चेक कर लो पॉज करके कि कितना
सही हो आप और कहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। इटली, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, व्यक्तिवाचक संज्ञा में स्थान का नाम आता है, तो इटली क्या हो जाएगा? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। करेक्ट, समझा आप सबको? तो ये आपका पहला वाक्य था। दूसरे वाक्य में हम लोग देखेंगे कि जो दिया हुआ है, महारानी के संदूक में सोना चांदी के गहने हैं। यहाँ पे महारानी को हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पे फिर सोना चांदी और गहने। तो हम कभी ये नहीं बोल सकते कि एक वाक्य में एक ही संज्ञा होगा। एक वाक्य में एक या एक से ज़्यादा संज्ञा होने के चांस रहते हैं। तो हमें ध्यान से किसी भी वाक्य को पढ़ना होता है और उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि कौन सी संज्ञा। अब यहाँ पे देखिए, महारानी, आप सबको पता है कि यहाँ पे जो महारानी है वह भी एक जाति के को दर्शाता है। महारानी मतलब जो एक समूह है, एक जाति है, उसको दिखा रहा है। तो आप आराम से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो या गेस कर सकते हो या पहचान सकते हो कि ये महारानी जो है वो क्या है, आपका जातिवाचक संज्ञा। और अगर आप आगे देखते हो, सोने चांदी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सोना है चांदी है, और अगर ये ऐसा कर सकते हो, ठोस पदार्थ के बारे में हम जब बात करते हैं तो सोना चांदी ये दोनों कौन से प्रकार हो जाएंगे संज्ञा के? गेस कर सकते हो आप लोग? हाँ, ये हमारे हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। अब गहने, जैसा गहने हैं वो एक किसी उपयुक्त जाति को दिखा रहा है, जैसे बहुत सारे गहने। तो आप यहाँ पे भी आराम से इसको पहचान सकते हो कि ये जो गहने हैं वो क्या है, आपका जातिवाचक संज्ञा। तीसरा वाक्य हम देखेंगे, शेख चिल्ली के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। शेख चिल्ली नाम है, तो आप इसको बिल्कुल भी आराम से पहचान सकते हो कि शेख चिल्ली अगर नाम है तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और मुस्कुराहट को भी यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। मुस्कुराहट हम लोगों ने देखा था भाववाचक संज्ञा में कि जो हमारे मन की दशा होती है, जैसे हंसना और रोना खाना, तो यहाँ पे मुस्कुराहट आपकी क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। तो इसी तरह से आपको एक एक करके जितने भी वाक्य यहाँ पे दिए हुए हैं सब में से आपको संज्ञा पहचान कर लिखना है। चलो एक मैं आपको और मदद करती हूँ कि जो चौथा वाक्य है, सारे जन समूह में खुशी की लहर दौड़ गई। अब जो जन समूह है ये अपने आप में आपको बता रहा है कि समूह क्या है। आपको पता है कि हम लोगों ने ये पढ़ा है कि संज्ञा में एक समूहवाचक संज्ञा भी होता है, जन मतलब लोग। तो जन समूह का अर्थ होता है कि लोगों का जमावड़ा या लोगों का समूह। तो ये आप आराम से इसको पहचान सकते हो कि यह जन समूह में खुशी की लहर दौड़ गई। इसमें जन समूह क्या है आपका? हाँ, ये जन समूह आपका है समूहवाचक संज्ञा। तो अभी तक मैंने आपको तीन चार जो वाक्य हैं उसके जो मोटे टाइप वाले शब्द दिए हुए हैं जगह जगह, उसको मैंने आपको पहचानने में मदद की है। और उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर आपको समझ में आएगा सब जो भी संज्ञा हम लोगों ने पढ़ा है। तो बाकी जो संज्ञा है जो मैं अभी आपको नहीं बता रही हूँ, उसको मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपको खुद में इसको चेक करना है कि कहाँ तक आपको समझ में आया है, कहाँ तक आपको समझ में नहीं आया है। नहीं आया है तो आपको डेफिनेशन, उदाहरण, परिभाषा सब मैंने आपको बताया हुआ है। वहाँ जाके आप एक बार फिर से अपना अभ्यास करके अपने जो उत्तर है उसको चेक कर सकते हैं कि क्या आप जो सोच रहे हैं वो सही है, नहीं सही है, तो कहाँ पे आपसे गलती हुई है उस चीज़ को आप सुधार सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना संज्ञा। अब हम लोगों ने संज्ञा के दो प्रकार भी पढ़े हैं इस वीडियो में, संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा तो अच्छे से अब आपको समझ में आ गया है। अब हम दूसरा प्रकार उठाएंगे यहाँ पर, सर्वनाम। सर्वनाम जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था, सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का मतलब होता है कि जो भी शब्दों को हम संज्ञा की जगह पर प्रयोग में लाते हैं उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। बराबर? हाँ, तो वो चीज़ें अगर आप याद रखते हो तो आपको याद रखने में और साथ में आपको कोई भी जो वाक्य आपके परीक्षा में आता है उस चीज़ को आप अच्छे से पहचान सकते हो। आपको पता है कि संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, ये सब आपको परीक्षा में ज़्यादा अंक के लिए नहीं आते, लेकिन जो भी अंक रहता है वो हमारे हमें अंक को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। तो यहाँ पर हम लोगों को अपना अंक कैसे बढ़ा सकते हैं उस बात पे भी ध्यान देना है। तो अभी हम लोगों ने संज्ञा कर लिया है,
अब हम एक एक करके सर्वनाम देखेंगे। जैसे आपको जो सर्वनाम है उसमें जो पहला प्रश्न है उसमें देखो आपको लिखा हुआ है निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित। यहाँ पे भी आपको संज्ञा के जैसे जितने भी आपको सर्वनाम के शब्द हैं उन्हें अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित मीन्स अंडरलाइन किया हुआ है, और हमें एक एक करके इसे पहचानना है कि क्या वाकई में जो अंडरलाइन शब्द है उसमें मुझे संज्ञा पहचानने आ रहा है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको संज्ञा पहचानना है तो आप क्या कर सकते हैं, और जैसे मैं सेंटेंस बोलती हूँ आप उसको कुछ सेकंड के लिए पॉज करके आप अपने आंसर रेडी कर लीजिए, फिर देखिए कि जो मैं आपको रिप्लाई कर रही हूँ क्या आपके आंसर या आपका जो उत्तर आ रहा है और मेरे उत्तर से मैच कर रहा है। अगर ऐसा है कि आपके जो मैक्सिमम उत्तर मिल रहे हैं, आपको आंसर मिल रहे हैं वो सही है, तो आप आराम से समझ सकते हो कि आपको संज्ञा सर्वनाम जो है वो पूरी तरह से समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अपना पहला वाक्य है जो सर्वनाम में, उसकी मुझे यह सजा मिल रही है। आपको दो शब्दों को अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित किया हुआ है, उसकी उसकी और मुझे। आपने पहला ही प्रकार पढ़ा था अगर आपको याद होगा सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें भी हम लोगों ने तीन प्रकार पढ़ा था। वो तीन प्रकार कौन से थे? उत्तम, मध्यम और अन्य। अब उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो मुझे क्या है, वो मेरे लिए प्रयुक्त हुआ है। और मेरा अगर मैं अपने लिए कुछ स्वयं के लिए बात कर रही हूँ तो आप सबको पता है कि अपना कौन सा प्रकार हो जाएगा, ये मुझे जो है वो, हाँ मुझे जो है वो आपका हो जाएगा प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उसकी मतलब ये मैं तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये आपका हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। समझ में आ रहा है आप सबको? हाँ, तो अब हम दूसरा वाक्य देखेंगे। साहब आप जो भी कहेंगे वह जरूर करेगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना, हम लोगों ने इसका जो अलग अलग के प्रकार जो पढ़े थे सर्वनाम में वहाँ पे भी आपको बताया गया है कि अभी जस्ट हम लोगों ने पहले प्रकार के दो एग्जाम्पल देखे हैं यहाँ पे उदाहरण, तो ये भी उसमें के जैसा ही है। देखिए साहब आप मतलब मैं सामने वाले से बात कर रही हूँ, जो हमारे सामने व्यक्ति मौजूद है, और वह मतलब तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में हमें, आप और मैं नहीं है, तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जानकारी मिली है, बराबर। तो जैसा है आप अभी क्या हो जाएगा, ये हम सामने वाले से बात कर रहे हैं तो यह कौन सा हो जाएगा आपका, हाँ द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे हम क्या कहते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। हम दोनों ही नाम लिख सकते हैं, दोनों ही राइट है। आप अगर द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम लिखते हो तो वो भी सही है, और अगर आप डायरेक्ट उसको उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम लिखते हो तो भी सही है। और यहाँ पे जो दूसरा शब्द आप देख रहे हो वह मतलब हम तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो वह मतलब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम या तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ये दो सेंटेंस में आपको थोड़ा सा आइडिया मिला रहेगा कि सर्वनाम को हमें कैसे पहचानना है। जरूरी नहीं कि हर बार आपको ऐसा ही आएगा कि रेखांकित शब्दों के सर्वनाम लिखिए, बहुत बार ऐसा आएगा कि नीचे दिए गए वाक्य में सर्वनाम पहचाने या संज्ञा पहचाने और उसके भेद लिखिए। भेद मीन्स प्रकार, टाइप्स जो आप लोग पढ़ते हो, तो उसमें हमें पहचानना भी रहेगा और उसमें हमें उसका कौन सा प्रकार है वह शब्द जो आपने पहचाना है वह भी बताना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे बहुत ही ध्यान से जो भी सेंटेंस हमारे आगे आता है, जो भी वाक्य आता है, उसे हमें पहले पढ़ना है और पढ़ के उसमें क्या सर्वनाम या संज्ञा दिया हुआ है उसे हमें पहचानना है, क्योंकि ये संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया हो, ये सब आपको एग्जाम में, परीक्षा में आपको एक एक मार्क्स के लिए आते हैं। तो एक मार्क अगर आप देखते हैं तो एक एक मार्क जोड़कर भी हमें अच्छे अंक मिलते हैं, इसलिए व्याकरण को आप महत्व देना बिल्कुल भी नहीं भूलना। जितना आपके लिए पाठ का महत्व है उतना ही व्याकरण का भी महत्व है। चलिए अब ये पहला और दूसरा तो आप लोगों ने देख लिया कि क्या है, तीसरा यहाँ पे भी मैं आपको कुछ सेंटेंस है जो वाक्य है उसके बारे में बताऊंगी, बाकी जो बच जाता है उसे आपको खुद में करना है। तो हम अभी तीसरा जो वाक्य है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तीसरा है मैं आमरण अनशन करूंगा। मैं सिर्फ एक ही सर्वनाम आपको आया हुआ है, तो मैं क्या हो जाएगा अपने लिए उपयोग में लाया गया है, तो मैं क्या हो जाएगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसके बाद हम चौथा वाक्य देखते हैं, क्या होगा इसका परिणाम। अब देखिए यहाँ पे दो जगह संज्ञा आया हुआ है, बराबर। अब संज्ञा में हमको ध्यान देना है, सॉरी सर्वनाम आया हुआ है, अब हमें दो जगह देखना है कि यहाँ पे दो वाक्य है,
क्या आपको आराम से पता चला कि यहाँ पे आपको प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप इसको बता सकते हो कि क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। लेकिन जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका, अब इसका से हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा सर्वनाम है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि इसका मतलब हम प्रथम पुरुष भी नहीं बोल रहे, द्वितीय पुरुष भी नहीं बोल रहे, हम तीसरे चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, बराबर। तो हम यहाँ पे आराम से बता सकते हैं कि क्या जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, और जो इसका है वो आपका हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पांचवा हम देखेंगे, कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। अब देखिए, मैं भी आया है और स्वयं भी आया है। अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने सर्वनाम में निजवाचक सर्वनाम भी पढ़ा है, बराबर। तो मैं आपके लिए, मैं ये बहुत बार हो चुका है अपना, जितना भी सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ा है, तो आप इसको आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो, पहचान सकते हो कि जो मैं है वो क्या है आपका। हाँ, यस, प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, और जो स्वयं है वो आपका हो जाएगा, हाँ करेक्ट, निजवाचक सर्वनाम। मैं उत्तम पुरुष सर्वनाम या प्रथम पुरुष वाचक सर्वनाम, और स्वयं जो है वो निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे हमको आराम से हर एक शब्द के द्वारा यह समझ में आ रहा है कि कौन, जो भी रेखांकित शब्द हैं उसमें कौन सी संज्ञा लगी हुई है। जैसे उन्होंने देखा उसकी, मुझे, आप, वह, मैं, इसका, क्या, मैं, स्वयं, तो यहाँ तक आपको संज्ञा के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हुई है। पांच सेंटेंस, पांच वाक्य मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाया है कि वास्तव में हम संज्ञा किसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको संज्ञा, सॉरी, सर्वनाम किसे बोलते हैं यह आपको मैंने बताया है। तो आपको संज्ञा मैंने पढ़ा दिया, आपको सर्वनाम पढ़ा दिया। अब सर्वनाम के हम कुछ और अलग टाइप्स देखेंगे, जिससे कि अगर आपको जरूरी नहीं कि वाक्य के रूप में ही परीक्षा में आए, तो अब हम थोड़ा सा देख लेते कि अगर ऐसे प्रकार में आता है, जैसे रिक्त स्थान के प्रकार में आता है, तो हम क्या क्या वहाँ पे जो भी आएगा उसमें लिख सकते हैं। जैसे देखिए, निम्नलिखित रिक्त स्थानों में कोष्टक से उचित सर्वनामों का प्रयोग कीजिए। अब आपको यहाँ पे दिया हुआ है पत्र क्यों नहीं लिखते, और आपको यहाँ पे कंडीशन रखा हुआ है कि अगर आपको इसमें, ये इसमें से ही कुछ मिलना चाहिए, जो भी शब्द आप भरोगे वो मध्यम पुरुष ही होना चाहिए। तो ये तो बहुत ही आसान है कि अगर मध्यम पुरुष है तो आप यहाँ पे आप आराम से लिख सकते हो कि आप पत्र क्यों नहीं लिखते हैं। हम सामने वाले व्यक्ति से, हमको जैसे पता कि जब हम अपने सामने वाले व्यक्ति से बात करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा मध्यम पुरुष होता है। दूसरा देखेंगे, घोड़े पर सवार होकर जा रहा है अन्य पुरुष, तो हो जाएगा वह घोड़े पर सवार होकर जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं, आपको देखो यहाँ पे प्रश्न पूछा हुआ है, आराम से आप देख सकते हो, वह कहाँ जा रहे हैं या आप कहाँ जा रहे हैं, हम दोनों तरीके से इसको, मध्यम पुरुष है ना, तो मध्यम पुरुष में हम तुम भी दे सकते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है। निश्चयवाचक, मेरा छोटा लड़का है, निश्चय है ना, तो हम यहाँ पे हम जो भी बताएंगे वो हमारा निश्चित होना चाहिए, तो यह मेरा छोटा लड़का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यह, ठीक है। तो चार वाक्य आज आपके लिए बहुत हो जाएगा इतना, बाकी के जो तीन है वो आपको खुद में देखना है कि आपको कितना समझ में आया है। उसके लिए आपका जो है, जितने भी प्रकार मैंने पढ़ाया है, फिर वो चाहे संज्ञा हो सर्वनाम हो, उसको आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। और जब भी आप वाक्य देखते हो तो पहले आपको बहुत जोर देना है अपने दिमाग पे कि जो आप सोच रहे हो क्या वह वाकई में सही है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रकार हैं सब में कुछ न कुछ हाँ समानता भी है। तो थोड़ा सा आपको ये देखना है कि जो मैं सोच रहा हूँ, और अगर आप पढ़ते हो अच्छे से तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आराम से उसको आसान तरीके से पहचान सकते हो कि जो आपने सोचा है वो ठीक है। आज ये अपना पहला वीडियो में संज्ञा सर्वनाम मैंने आपको जो भी पढ़ाया है उसका प्रैक्टिस अभ्यास के द्वारा थोड़ा सा अपने आप को भी बता सकते हो कि आपको कितना समझा है, अपने आप को समझा सकते हो आपका कितना कहाँ तक आपको समझ में आया है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सब जो भी मैंने पढ़ाया है वो अच्छे से समझा होगा। थैंक यू।